हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपी 49568 भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अब आपका मेडिकल प्लस चरित्र सत्यापन किया जाएगा, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मतलब लगेगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स आपके बहुत सारे डाउट्स चरित्र सत्यापन से लेकर है, ठीक है, कि करेक्टेड सर्टिफिकेट मतलब कितने लगेंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। और उसका प्रारूप क्या होगा और हम ये कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो चरित्र सत्यापन का जो प्रारूप होता है मैं उसका PDF दे दूंगी। आप सिंपली जो है आप किसी भी साइबर के शॉप से जाकर उसे निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या प्रोसेस रहेगा सारी बातें हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक लाइक, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सो हो रहे होंगे, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से अभी से तैयार करना ही होगा, क्योंकि आपने देखा ही कि DBPH में बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हुए, प्लस उनको जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। तो आपको इस बार गलती नहीं करना है, ये आपका अंतिम चरण है इस सिलेक्शन का, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको बाहर किया जाएगा फ्रेंड्स। आपको देखो मेडिकल में अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो आपको रीमेडिकल का भी टाइम दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आप अपने जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसे अच्छे से अभी से तैयार रखो, क्योंकि चरित्र सत्यापन तो इम्पोर्टेंट ही है और आपको उसकी तैयारी करनी ही होगी। जैसे कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट पे आता है आपका एडमिट कार्ड। रही बात एडमिट कार्ड, तो फ्रेंड्स आपके बहुत सारे ये कन्फ्यूजन है कि एडमिट कार्ड जो है वो आपके ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन। जैसे कि 41520 में तो ऑफलाइन ही आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया गया था, मतलब जो आपके नज़दीकी पुलिस लाइन या फिर थाना है, ठीक है, उसमें आपका एडमिट कार्ड दे दिया गया था, जो कि आपको जाकर लाना था, आपके पास कॉल किया जा रहा था या फिर आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आ रहा था। तो ये पूरा प्रोसेस रहा था, क्योंकि ये सब नियमावली का जो भी है खेल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस बारी क्या होता है, क्या इस बारी भी ऑफलाइन आता है। अगर ऑफलाइन आता है तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी तो देख ही रहे हैं अब डिजिटली हो रहा है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन भी आपके एडमिट कार्ड अब नियमावली भर्ती बोर्ड देखते हैं चेंज करता है कि नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका आता है 10+2 मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब देखो हाई स्कूल का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब देखो अब आपके ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट क्या होता है। फ्रेंड्स पहले अलग अलग आता था लेकिन अब एक ही में आता है, तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। हाई स्कूल का आपको मार्कशीट प्लस उसके दो कॉपी करवा लेना है सिंपली, और सेम वैसे ही आपको इंटरमीडिएट का भी दो कॉपी करवा लेना है, आपको ओरिजिनल प्लस कॉपी दोनों लेकर जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि देखो ये इम्पोर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र। आप OBC SC या फिर ST कैटेगरी से हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य ही ले जाना होगा, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आप यूपी से निवास करते हो कि नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स भी इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको जो निवास प्रमाण पत्र है, जो आपका डोमिसाइल है, वो ले जाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये, लेकिन कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है, लेकिन जाति एंड आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स तो इतना भारी होता नहीं कि आपसे जाएगा ही नहीं, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाइए, वो फिर पुराना हो या फिर नया। देखिए
डोमिसाइल एंड जाति प्रमाण पत्र आपको वही ले जाने होंगे जो कि आपने डीबी पीएचटी में जो जो आपने दिखाया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पुराना फॉर्म में फिलअप किया था लेकिन नए बनवा कर वो ले गए थे, तो आपको नया प्लस पुराना दोनों लेकर जाना है। नेक्स्ट आपका फ़ोटो, देखो आपको फ़ोटो कितना लेकर जाना है, कम से कम 10 फ़ोटो आपके होने चाहिए, ठीक है। आप फ़ोटो खिंचवा कर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10 कॉपी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो इतना भारी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है चरित्र प्रमाण पत्र, आपके दो चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है। पहला चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने कॉलेज से बनवाना होगा, अगर आपने मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीए बीकॉम बीएससी किया है, मतलब आपके अंतिम वर्ष, अगर आपने ओनली इंटर तक ही स्टडी किया है तो आप जिस कॉलेज से आपने इंटर किया है आप वहाँ जाओ और अपना चरित्र प्रमाण पत्र उस कॉलेज से बनवा लो। अगर वो बोल रहे हैं कि मतलब आपके स्टडी छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, तो आप बोलो कि हमारा मतलब उसी दिन का जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना दो, कोई दिक्कत, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप बीएससी बीकॉम मतलब इंटर में कर रहे हो, कर चुके हो, तो आप जिस कॉलेज में अंतिम वर्ष पढ़े हैं वहाँ से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र एक बनवा लेना होगा, ईजिली बन जाएगा, आप जाओ कॉलेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि अपने गांव में कुछ दो लोगों से जो है आपको सिग्नेचर कराना होता है कि जो आपका चरित्र है वो कैसा है, है ना। अपने गांव आप चाहे तो प्रधान से करा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी दो बंदे को पकड़ो, ठीक है, जो कि मतलब जो वो करते हो, और उनसे आप अपना जो है सिग्नेचर करवा लेना, और उसे फॉर्म फिलअप करना होता है, और उसका प्रारूप कैसे होता है आप सिंपली मैं अभी दिखा रही हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लेना। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस चरित्र प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं, और सिंपली साइबर के पास जाकर इसे निकलवा कर आप इसे अच्छे से फिलअप करके, और यहाँ देखो दो व्यक्तियों का यहाँ आपको सिग्नेचर करवा लेना होगा, अपने घर वालों से नहीं करवाना होगा, ये नहीं कि आप अपने फादर या फिर किसी भाई भाई से करवा लें, ऐसा नहीं, आप किसी दूसरे व्यक्ति से, आपके आपके गांव में रहने वाले, या फिर आप प्रधान से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका चरित्र उत्तम। देख सकते हैं यहाँ आपको क्या क्या फिलअप करना होगा, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री या फिर श्रीमती सुश्री आपको अपना नाम, फिर अपने पिता का नाम, निवासी, फिर जिला उत्तर प्रदेश, फिर आपको भली भांति जानता हूँ, मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है या फिर बहुत अच्छा है, आप यहाँ फिलअप करवा लीजिएगा, ये नहीं मतलब ये जो फिलअप होगा ये दूसरे के अकॉर्डिंग ही फिलअप होगा, क्योंकि यहाँ वो व्यक्ति जो सिग्नेचर करेगा उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें फिलअप करेगा, और ये मेरा पारिवारिक या संबंध का रिश्तेदार नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बस ये दर्शाना है कि इसका चरित्र जो है उत्तम है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, और देखो मेडिकल से रिलेटेड या फिर आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आती है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके भाई फ्रेंड्स मिस सिस्टर हैं तो आप उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनकी बहुत ही हेल्प हो और आपको भी वो कभी ऐसी वीडियो शेयर करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।